सो इफ दैट इज द केस वन थिंग गडकरी जी मैं पूरे कैंपेन में ऑब्जर्व कर रहा था लाइक इवन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू आपने सबसे ज़्यादा रिटरेट डेवलपमेंट को किया है पर जब भी मैं ऑपोजिशन के पार्टीज के जितने भी नेता हैं उनके साथ बात करता हूँ इंटरव्यू करता हूँ उनका एक कॉन्स्टेंट प्लान किया रहा है कि अगर आपकी पार्टी वापस से मेजोरिटी में आ जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा सो इफ द बीजेपी एन डी ए जो आपका टारगेट है कि तीन सौ सत्तर चार सौ पार लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा ये like फेयर है आपके पार्टी गलत देखिए हम संविधान बदल देंगे दे। लोकतंत्र खतरे में आएगा मुसलमानों को बहुत धोखा है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते इसलिए जब कन्विंस नहीं कर सकते अपनी एबिलिटी के ऊपर तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है गडकरी जी इस बार आपका टारगेट जैसे 400 पार कर आपकी पार्टी का नाउ यू ऑल्सो सीन दर ऑफ 2004 जो कई बार कह, कह, कहा जाता है कि अटल जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बट 2004 थाउजेंड फोर वॉज एन एबरेशन एंड द मैंडेट वेंट टूवर्ड्स दी अदर साइड कहीं क्या इस बार आपको लगता है कि आई यू या आप या बाकी जितने भी नेता आपकी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस में है कि चार सौ पार तीन सौ सत्तर और ऐसा तो नहीं कि द गोस्ट ऑफ टू थाउजेंड फोर के अंड्रेट नहीं मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें तीन सौ सत्तर से ज्यादा सीटें मिलेंगी एनडीए को तीस से ज्यादा क्षेत्र मिलेगी और हम चार सौ पार पहुंचेंगे ऐसा मुझे लगता so नहीं जी जो हमने दस साल में काम किया वो कांग्रेस ने साठ साल में नहीं किया उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता का विश्वास हमने हासिल किया है उसी के भरोसे हम कह रहे हैं ये अहंकार की बात नहीं है ये आत्मविश्वास की बात है जिसके ऊपर हम इस बात का कर जिक्र कर रहे हैं इस बात पे एक दुख होता है क्योंकि मैं आपकी पॉलिटिक्स को भी बहुत बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा था नाउ यू हैव सीन एन एरा जब दो मेंबर पार्टी भी आपके पास थी नाउ यू आर विद फुल मेजोरिटी ये कांस्टेंट पालमपुर की तरफ से आपके पार्टी का कमिटमेंट था राम मंदिर बनने का नाउ इस वक्त जब एक तरफ Uh, प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ इसको प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सपेक्टेड तो था इज इस देश, देश के इतिहास संस्कृति और विरासत के प्रतीक प्रभु रामचंद्र थे और राम मंदिर बनना ये भारतीयों के लिए जात पंथ धर्म भाषा संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक अभिमान का विषय है हम उसको पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए मेरे पास कार्यकर्ता है सत्रह तारीख को बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती नागपुर में तो उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में आप शामिल हुई मतलब मैं चुनाव आ रहा है उन्नीस तारीख को मैं कैंडिडेट हूँ और मैं राम जन्म की शोभा यात्रा में मैं शामिल नहीं हूँ मैं शोभायात्रा शुरू होती हर साल दर्शन करने वहां जाता हूँ शुभारंभ के समय वो करूँगा मैं शोभा यात्रा में जाकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ हम प्रभु रामचंद्र को उससे दूर रखें तो मुझे लगता है इसको पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए गडकरी टुवर्ड्स दी लास्ट पार्ट ऑफ माई इंटरव्यू मैं एक रैपिड फायर जो है वो आपके साथ करूँगा एंड दिस इज वाट एवर द फर्स्ट थाट विच कम्स टू योर माइंड आप जो है उसमें कह सकते हैं जब द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई एक मुलाकात जो आपने अभी तक नहीं किया कोई एक कॉन्वर्जेशन विद रिस्पेक्ट टू योर मिनिस्ट्री या विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स जो अभी तक आपने शेयर नहीं की है जो आपको लगता है कि विच हेल्प्स द पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके की वर्किंग देखिए मेरे मैं उनका सहयोगी रहा हूँ मैं अध्यक्ष था तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मेरे उनके काफी चर्चा डेवलपमेंट के बारे में होती है अलग अलग विषयों पर होती है कभी कुछ विषयों के बारे में अधिकारियों को मेरे पास भेजते हैं हम लोग चर्चा करते हैं पर दोनों के बीच में जो चर्चा होती है वो व्यक्तिगत होती है उसकी चर्चा मीडिया के साथ करना उचित नहीं होता